जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, अब हम करने वाले हैं आज की क्लास फ्रेंड्स मैथ्स चैप्टर आपका 3 और बच्चे एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इस क्वेश्चन में बच्चे दो ही जूज है, या आपका 1 जूज है या आपका 2 जूज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे देखे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। शायद ही बच्चे कोई सालाना पेपर हो जिसमें ये आपके जूज ना आए हुए हो, तो बच्चों अच्छी तरह समझ लेना। जरा देखिए, लिखा हुआ है कि लॉग 1/128 असास दो, तो ऊपर पूछा है कीमत मालूम करें। इसका मतलब है नाम मालूम, यानी कोई मतलब नहीं आपने लेना है, वेरिएबल लेना, उसके आपने कीमत निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको फर्ज करना है, चाहे x के बराबर फर्ज कर लें, चाहे y के बराबर फर्ज कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। x के बराबर ले लें चाहे y के बराबर ले लें, फर्ज लाजमी आपने करना है, क्योंकि जिसकी कीमत निकालनी है वो चीज नहीं दी हुई, तो हमने वो चीज पहले फर्ज करनी है जिसकी हमने कीमत निकालनी है। तो हमने फर्ज किया कि ये वाले सारे रकम बराबर है x के। तो बच्चों अब हम इसके लिखते हैं कोतवाई शक्ल में, तो बच्चों याद रखें जब इसको कोतवाई शक्ल में लिखा जाता है तो हम असास को यानी बेस को बड़ा कर देते हैं, और बाकी एक्स और 128 जो आपके 1/128 है इनकी जगह तब्दील कर देंगे 1/128। तो बच्चों कोतवाई शक्ल में लिखने का तरीका है कि असास को बड़ा कर दिया जाता है 1/128 और x को इनकी जगह तब्दील कर दी जाती है। यदि यहाँ पे दो ऊपर लिखा हुआ था, 1/128 ऊपर लिखा था, उसको जब x लिख देंगे और 1/128 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों हमने कीमत जो निकालनी है x की निकालनी है, 2 की पावर आपके पास x है और बटे में आपके पास लिखा है 1/128। तो बच्चों ये देखिए मैंने फैक्टराइज कर दिया है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 2 आपका 7 दफा आता है, तो ये 2 की पावर बन जाएगी आपकी 7। इसको हम सीधा करके अगर लिखे तो ये 2 बटे में आ रहा है। अब इसको बटा खत्म कर लेंगे इसको, तो पहले शुमार को तरीके से बचे 2 की पावर जो होगी वो माइनस के साथ हो जाएगी। ठीक है जी, ये 2/7 1/2 की पावर 7 बच्चे बटे में, ये 27 नहीं है, 2 की पावर 7 है। तो बच्चों ये बटे में थी, आप बटे को जब ऊपर लेकर जाएंगे मखरज, ये मखरज में पावर थी, जब इसको शुमार करने में लेकर जाते हैं तो असास की पावर जो होती है वो मनफी हो जाएगी। ठीक है जी, अब बच्चे आपके असास बराबर हो गए, तो लॉगरिथम के सूत्र के मुताबिक आपके कोतवा भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो x बराबर बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस के 7 के। जी बच्चे अब हम इसके चलते हैं जो नोट 2 की तरफ, जिसमें लिखा है log 5/2 टू द बेस 2 इनटू √2, यानी log 512 असास 2 इनटू 2 का जितना बच्चे आपके लिखा हुआ है, और आपने कीमत मालूम करनी है, नाम मालूम की कीमत आपने मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसको फर्ज करना है, x के बराबर आप फर्ज कर लें। अब बच्चे हमने इसको लिखते हैं कोतवाई शक्ल में, बच्चे जब कोतवाई शक्ल में लिखेंगे तो इसका सास बड़ा हो जाएगा 2 इंटू 2 का जगह, अब जो कि 2 अदद आ रहे हैं और ये एक्सेस के ऊपर आ जाएगा, इसलिए बच्चे आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और ये 512 दूसरी तरफ आपका चला जाएगा। यदि आप लॉगरिथमिक शक्ल को हम कोतवाई शक्ल में लिखते हैं, असास को बड़ा कर दिया जाता है और ये आपके पास जो रकम होती है ये दूसरी तरफ चली जाती है, और एक्स यानी आपस में जगह तब्दील कर लेते हैं, 512 को एक्स की जगह पर लिखेंगे और 512 की जगह पर हम एक्स को लिख लेंगे। ठीक है जी, तो बच्चों अब आपने इसको हल करना है, ये पावर एक्स दी गई है, ये आपके पास 2 है और जजर की कीमत होती है 1/2, और ये 2 की पावर जिसकी कोई ताकत नहीं होती बच्चे, इसकी पावर 1 होती है, और ये आपके पास बन जाएगी 2/512 को जो बच्चे जब हम फैक्टराइज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बच्चे ये 2 की पावर 9 बनती है, 2 की पावर 9। तो बच्चे इस तरह फैक्टराइज कर लें, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर तो आसानी से याद हो जाता है, नहीं तो आसानी से आप बच्चे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब बच्चे 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक जैसे सास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी ताकतें या पावर जो होती है वो जमा हो जाती है, ये आपके पास आ गया 2 की पावर 9, ये पावर 1 थी और ये पावर भी थी 1/2। तो बच्चों एहसास को हमेशा बड़ा लिखना है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं एहसास को छोड़ जो ताकत और एहसास को एक जैसे ले, बच्चे आपका गलत हो जाएगा। अब हम बच्चे इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को 2 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका 2 आ गया, अब 2 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे आपका 1 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चे आपका 1 आ जाएगा, उसी तरह आपने ब्रैकेट में भी लगानी है और ये 2 की पावर बच्चे आपके पास आ गया 9।
अब अगर देखा जाए तो दो की पावर बचे आपके पास मान की तीन बटा दो और ऊपर एक्स भी है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा दो की पावर नौ। अब बच्चे अगर देखे तो आपके साथ बराबर हो, ये आपका दो है ये भी आपका दो, ये साथ बराबर हो गए तो कुवत माफी आपस में लॉग के सूत्र के मुताबिक कुवत माफी आपस में बराबर होने चाहिए। तो बच्चे ये दोबारा नहीं लिखने होते, जो बराबर हो जाते हैं बस आपके सूत्र काटना भी नहीं है, बस असास बराबर हो गए तो उनके मुताबिक कुवत आपस में बराबर होने चाहिए। अब ये आपके पास तीन बटा दो एक्स बराबर आपके पास आ गया नौ के, जबकि हमने कीमत मालूम करी एक्स की तो पहले बच्चे दो को खत्म कर देते हो तो बटे में दो लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका दो दो से कट जाएगा तो तीन एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा अठारह के। अब तीन को खत्म कर दे तीन मल्टीप्लाई हो रहा तो ये डिवाइड हो जाएगा तीन तीन से गया और ये छह आ जाएगा तो बच्चों एक्स की मत आपकी निकलती है छह। तो बच्चों दोनों में दोनों क्वेश्चन ही बढ़े हैं एग्जामिनेशन पार्ट व्यू से बच्चे देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन दो नंबर का आपके जो कोई एक चीज आपके पेपर में आएगा जैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।